नमस्ते दोस्तों, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये वही है जो हमने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। 6230 आईसी लगी हुई है इसमें। हम इससे अपना ओम थिएटर तैयार करेंगे जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जो कि आपको तैयार होने के बाद बताऊंगा। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें 1.5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाया है। साथ ही साथ ये हमने हमारे डिस्प्ले की सप्लाई भी बना ली है, जिसे हम कार्ड बोलते हैं या MP3 मॉड्यूल बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें 7805 लगा है जो कि 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ हमने इसमें एक 100 μA का कैपेसिटर लगाया है जो कि इसमें हमिंग को कम कर देगा, साइड नॉइस कम हो जाएगी इससे। और ये हमने वॉल्यूम के कनेक्शन कर दिए हैं। हमने दोनों स्पीकर के वॉल्यूम के कनेक्शन अलग अलग किए हैं, क्योंकि इसमें हम एक 10 इंची का स्पीकर लगाने जा रहे हैं जो कि हमारे वूफर का काम करेगा, और एक 4 इंची का जो कि ट्विटर है हमारे। तो ये हमारे एम्पलीफायर सर्किट से जो वायर आ रहे हैं जो कि इनपुट रिसीव करते हैं, और ये यहाँ पर 3 वायर की कनेक्टिंग पिन लगी हुई है जो हमारे इस वाले मॉड्यूल में लग जाएगी यहाँ पर, और सप्लाई की यहाँ पर लगेगी। तो ये हमारे वॉल्यूम के कनेक्शन कुछ इस तरीके से करने हैं। ये इस तरफ वाला ग्रे कलर वाला हमारे ग्राउंड है, और बाकी दोनों में हमने लेफ्ट राइट अलग अलग लगा दिए हैं। साथ ही साथ इसमें जो ये पीछे वाले दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, ये हमारे स्विच की तरह काम करते हैं। आपने देखा ही होगा, ये इसमें से कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है। ये पूरी तरीके से वॉल्यूम कम करने पर एंड में जाके ऑफ हो जाता है। तो हम जो हमारे ट्रांसफार्मर के साथ ये वाला कनेक्टर लगाने जा रहे हैं सप्लाई के लिए, इसमें से एक वायर हम इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारे ये हमारी सप्लाई को भी बंद कर पाएगा। तो दोस्तों, अब हम ये जो हमने 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई है, इसे हमारे इस बॉक्स में लगा देंगे। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने हमारी सप्लाई 5 वोल्ट की यहाँ लगा दी है, और साथ ही साथ ये इसके वायर यहाँ बाहर आ गए हैं जो कि हम अपने MP3 मॉड्यूल में लगा देंगे। और दूसरे वायर जो कि हमारे इन वॉल्यूम के साथ कनेक्टेड हैं, अब हम ये जो आप हॉल देख पा रहे होंगे, इसमें हमारी वॉल्यूम भी कस देंगे जो कि यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अभी हम पहले वॉल्यूम कस लेते हैं अपने इस बॉक्स में। देख पा रहे हैं, हमने हमारे दोनों वॉल्यूम कस दिए हैं। साथ ही साथ हमने इसके पीछे की तरफ जो हमारे स्विच वाले वायर थे, उनका भी हमने कनेक्शन कर दिया है, जो कि एक तो हमारे ट्रांसफार्मर के साथ और दूसरा डायरेक्ट हमारे सॉकेट के साथ कनेक्ट हो गया है। साथ ही साथ ये हमारे एक वायर ट्रांसफार्मर का डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है, जहाँ से हम सप्लाई देंगे। यहाँ पर एक फ़िलिप्स का सॉकेट लगा हुआ है। अब हम इस बॉक्स में स्पीकर लगा देंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, ऊपर वाला हॉल, यहाँ पर हम अपना ये ट्विटर सेट करेंगे। ये मेड इन इंडिया मिल्टन कंपनी का है। ये हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था। ये लगाएंगे हम यहाँ साथ में, हम एक एक पिन के साथ, पॉजिटिव वाली के साथ, ये वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर लगा देंगे। ये अभी जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने हमारा स्पीकर लगा दिया है, साथ में ये ट्विटर भी लगा दिया है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम अपना स्पीकर इसमें लगा देंगे। तो इसे टेस्ट करने के लिए ये मैंने मेरा मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है। तो इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। अब तक ये खुला पड़ा है, अभी हम इसे बंद करने के बाद देखेंगे इसका साउंड कैसा होगा। इसकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ा है, इसका बेस बहुत हैवी हो गया है इसमें रखने के बाद। तो ये हमारे आगे से कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। साथ ही साथ हम इसे अगर खड़ा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसमें मैंने पीछे की तरफ पट्टी लगा रखी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये चीज़ पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें।
अभी तक इस पर वॉल्यूम कैप लगाना बाकी है, तो इसलिए ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर जब वॉल्यूम कैप लगेगी और साथ ही साथ इसकी जब स्पीकर की नेट लगेगी तो ये और भी अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों आप भी बहुत ही आसानी से इस तरीके का होम थिएटर घर पर बना सकते हैं। धन्यवाद।